नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि वालों। दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिन किसी पर विश्वास मत करो, दया माया करना छोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके आने वाले अगले 6 दिन किस प्रकार रहने वाली है। जी दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिनों में आखिरकारों की कौन सी स्थिति कैसी होंगी और इनका प्रभाव आप सभी के जीवन काल में कैसे होंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर यश में आपको सावधान रहने होंगे और आने वाले कौन कौन से कार्य आपके लिए यश में भाग्यशाली होने वाली है। जय दोस्तों, घरों की यश में जो बदलती चाल होगी, आप सभी के जीवन काल में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, आखिर आपका लव लाइफ यश में कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर यश में आपका कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार आपका यश में कैसा चलने वाले हैं, तो दोस्तों इन सभी की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन बस यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई हर एक छोटी सी बात, हर एक छोटी सी उपाय आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो दोस्तों इन्हें आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और अपनी माता का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि यश में आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यश में आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर यह बात अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे इसके लिए जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, यश में आपका प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबल तथा कार्य क्षमता में और अधिक बेहतरीन वृद्धि करेगा। दोस्तों, आपकी प्रभावशाली वाणी भी दूसरों के ऊपर बेहतरीन यश में छाप छोड़ने वाली है। सामाजिक क्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा जिससे आपको आगे चलकर बहुत बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कभी कभी ऐसा आपको प्रतीक हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिनकी वजह से आपकी आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी भी आएगी। परंतु दोस्तों मनन करें तो आपको महसूस होगा कि यह आपका सिर्फ वहम है। दोस्तों यश में थोड़ा सा अगर लाभ की बात करें तो थोड़ा सा लाभ कम हो सकता है, तो इनकी चिंता ना करें दोस्तों, भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा प्रभावशाली वाणी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपका यश में रुतबा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी यश में घनिष्ठ होंगे। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी यश में आपको महसूस होने वाली है। निवेश संबंधी मामलों में ज़्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों यश में नुकसान के आसार बने हुए हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में शुरुआत में ही बहुत अधिक सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों यश में आपके सभी सोचे हुए काम भी यश में शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएंगे तथा दोस्तों आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का भी कारण बनेगा। दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति भी आपका यश में रुझान और अधिक बढ़ेगा। शादी दोस्तों, परंतु कभी कभी लापरवाही की वजह से आप बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप पर कोई बदनामी या फिर आरोप भी लग सकता है, इसलिए दोस्तों यश में बहुत ही समझदारी से काम लेना आपके लिए आवश्यक होगा। दोस्तों, घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर आप अवश्य अमल करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों को भविष्य को लेकर जो समय होंगे, कुछ योजनाएं बनेंगी तथा निवेश संबंधी कार्यों में आपकी दिलचस्पी यश में होने वाली है। दोस्तों, दिल के बजाय दिमाग से काम लें, हिम्मत और साहस के बल पर असंभव कार्य भी यश में संभव करना आपके लिए आसान होगा। साथ ही दोस्तों भावुकता में आकर कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। दोस्तों, किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी भी हो सकती है, तो दोस्तों इनसे बचें। साथ ही कोई बाहरी व्यक्ति भी आपकी भावनाओं का यश में गलत फायदा उठा सकता है, यश में अत्यधिक सचेत रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कामकाज का माहौल आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक मामलों में व्यवसाय में किसी प्रकार का निवेश करना भविष्य को सुरक्षित रखेगा, परंतु दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा,
क्योंकि दोस्तों पीठ पे जो किसी प्रकार के नुकसान होने की भी आशंका लग रही है, तो दोस्तों सावधान भी आपको रहना चाहिए यह समय। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों अपनी ऊर्जा मार्केटिंग संबंधी कार्य तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आर्थिक दृष्टि से उत्तम समय बना हुआ है आपके लिए। दोस्तों आपका रुका हुआ पेशा काफ़ी हद तक वापस मिल जाएगा। किसी भी कार्य में दिक्कत आने पर जो है घर के सदस्यों की आपको मदद लेना लाभदायक रहेगा। ऑफिस के भी अधिकतर काम सुचारू रूप से निपटते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यह समय व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। दोस्तों आपके अपने कार्य के प्रति पूरी एकाग्रता आपको नई उपलब्धियां भी यह समय प्रदान करने वाली है। परंतु दोस्तों किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी ले लेना अति आवश्यक होगा। ऑफिस का माहौल भी इसमें शांतिपूर्ण रहेगा। बस दोस्तों सभी कार्यों की जानकारी लेना आपके लिए इसमें आवश्यक होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों लापरवाही इसमें आप बिल्कुल ना बरतें, ये आपके लिए नुकसानदायक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पोस्टरी तथा खान पान से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना यश में अगर बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उचित समय होगा। आपको धीरे धीरे तरक्की भी हासिल होंगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी यश में आपके ऊपर बना हुआ है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पति पत्नी के बीच अकारण ही कुछ मनमुटाव रह सकता है। यश में बहुत ही समझदारी से संबंधों को सुधारने की आवश्यकता होगी। दोस्तों विवाह योग्य लोगों के लिए जल्द ही विवाह संबंधी कोई उचित रिश्ता यश में आ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर वैचारिक मतभेद भी रहेंगे। प्रेम संबंधों में और अधिक नज़दीकियाँ यशमय आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। मेहमानों के आगमन से हंसी मजाक व फिर मनोरंजन में भी समय आपका यशमय व्यतीत होने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, परिवार तथा अस्थायी दोनों में ही सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों प्रेम संबंधों में भी यशमय नज़दीकियाँ आने वाली है। तो दोस्तों इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक भागदौड़ की वजह से थकान आपके सिर पर हावी रह सकता है, जिनसे दोस्तों सिर दर्द की समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों थोड़ा आपका समय होगा प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि गला खराब और फिर खांसी जुकाम जैसी समस्या भी आपको रह सकती है। यश में अपना उचित ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, गलत खान पान की वजह से गैस व फिर पेट दर्द संबंधी शिकायत भी रह सकती है। दोस्तों यश में अपना जो आहार है बहुत ही हल्का रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में भूख न लगने तथा आपत जैसी शिकायत भी रह सकती है। दोस्तों दिनचर्या को सीमित रखें तथा आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करें, ये आपके स्वास्थ्य आपके हेल्थ के लिए इसमें बहुत ही उत्तम साबित होंगे।